इस समय हम ऑटो एक्सपो में पहुंच गए हैं और आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग है ये एक्सपो मार्ट है जो कि नोएडा में हो रहा है। और चलिए चल के देखते हैं अंदर। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हॉल है वो डिवाइडेड है। तो यहाँ देख रहे हैं आप GWM और ये चाइनीज कंपनी है जो इस समय आप कार अपने सामने देख रहे हैं। हम हॉल नंबर 1 में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे हमने अभी हुंडई की कार देखी और अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। कौन कौन सी कार है देखते हैं। और मैं बता दूं कि सडनली अचानक से हम लोग का यहाँ प्लान बना आने का और रात भर के सोए नहीं हैं, काफ़ी थके हुए हैं, तो अपना बासी चेहरा ना दिखाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कार पे मैं फोकस करूँगा, कार्स आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे अभी आप जो मॉडल देख रहे हैं सामने ये दर्शाता है कि कार के अंदर जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करते हैं। और अगर आप किसी कार का डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ। इससे पहले हम डिफेंस एक्सपो में गए थे, वहाँ मेरे को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर यहाँ पे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और अगर किसी कार का आप डिटेल में वीडियो चाह रहे हैं तो मेरे दूसरे चैनल जिस पे PR प्ले पे सारा डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इस बार सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा कार जैसे आप अपने सामने देख रहे हैं ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सभी कंपनियों की इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसी कुछ कार यहाँ पे मौजूद है जो लॉन्च होने वाली है या लॉन्च हो चुकी है, जो बायर्स हैं उनके हाथ में पहुँच चुकी है या पहुँचने वाली है, जैसे कि ये आप अपने सामने देख रहे हैं कार्निवल। और अब इन सब बातों को छोड़ के थोड़ा मस्तीखोरी करते हैं, क्योंकि ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं, एंटरटेनमेंट व्लॉग है। ये देखो यहाँ पे दीदी लोग जो हैं वो झूला झूल रही हैं, गोल गोल घूम रही है। दीदी मज़ा आ रहा है? अरे हमको भी चांस दो, हम भी झूला झूलें। दीदी आए क्या ऊपर? आए नखड़ा कर रही हैं। ठीक है झूल लो अकेले अकेले। आंटी जी नमस्ते, केम छो, मजा माँ, खाना खा के जाना ठीक बा? अरे लगता है आंटी जी नाराज़ हो गई। तो अभी आप अपने सामने देखेंगे जो मॉडल है, मतलब ये जो दीदी लोग खड़ी हैं ये नहीं, कार का मॉडल है वो कॉन्सेप्ट मॉडल है। कॉन्सेप्ट मॉडल ऐसा मॉडल होता है जो लॉन्च तो नहीं होता पर कंपनी इसे प्रेजेंट करती है अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए या अपने आप को एक लेवल आगे बताने के लिए। और अभी आप देखेंगे एक गाड़ी है जो वो उल्टी पड़ी हुई है और उसका आधा जो ढांचा है वो गायब भी हो गया, पर असल में ये जो एक मॉडल है जो ये दर्शाता है कि कार के अंदर यानी कि नीचे की तरफ कैसे कैसे जो मैकेनिज्म है वो काम करते हैं। ये मुझे लग रहा है किसी ट्रक का ये मॉडल होगा, या तो हो सकता है SUV का भी हो सकता है, क्योंकि आजकल SUVs भी काफ़ी लंबी चौड़ी और बड़ी आ रही हैं। वैसे तो सस्पेंशन वगैरह देख के लग रहा है कि हो सकता है कि SUV का ही है। ये जो सिलेंडर्स हैं ये बायो डीजल के लग रहे हैं, तो बायो डीजल से चलने वाली SUV होगी। Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls, anyone out there, welcome you all to a great world for this mobility at 15 million auto. भटकते भटकते हम लोग फिर से ग्रेट वॉल मोटर्स के सामने आ चुके हैं, पर अच्छी बात है यहाँ पे इसका शो जो है स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि शोकेस करने वाले हैं ये लोग, तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। वाओ, तो आपने देखा लाइट्स, LED लाइट्स और जो इंडिकेटर्स हैं उनको, हेडलाइट भी काफ़ी प्यारी लग रही है।
आप अपने सामने से जो जाते हुए कार देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार है, सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है ये अब तक की, R1 या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक कार की नैनो, थोड़ा बहुत जो साइज़ है वो भी वैसा ही है। तो अब जो आप मॉडल देख रहे हैं अपने सामने, वो ये दिखाता है कि कैसे जो एयर बैग है वो डिप्लॉय होते हैं एक्सीडेंट के दौरान और हमें सेफ रखते हैं। तो ये हॉल में जो व्हील फीस जैसा मॉडल बना रखा है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। चल चल मेरे हाथी, ये इतना बड़ा स्टैच्यू बनाया गया है हाथी का, मेरे ख्याल से ये स्टील या एल्युमिनियम जैसे कुछ ही मेटल से बनाया गया है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये पीछे। और ये है मारुति सुजुकी का कॉन्सेप्ट मॉडल, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि क्या इंडिया भी इस हद तक जा सकता है। और ये है जिमनी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ दूसरे चैनल पे, PR प्ले पे, उस पर जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं। ये एक जापानीज कार है जो जल्द ही इंडिया में आने वाली है। ये है क्विड केजी इलेक्ट्रिक कार, और ये है रेनो की वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट कार। जरा इसके इंटीरियर पे नजर डालिए, सीट देखिए इसकी। तो अभी आप अपने सामने जो देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर या स्कूटी कुछ भी बोल सकते हैं, पर आजकल जो मार्केट में आपको स्कूटी मिलती है उसके मुकाबले मत समझिएगा, इसकी रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा है उन सबके मुकाबले। और ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर रखा है, ये एक ट्रक का मॉडल है और ये BS6 है। तो ये है अब तक की सबसे ऊंची SUV गोरखा। तो यहाँ ट्रक और बस सब शोकेस की गई है, तो आप समझ ही सकते हैं जो वेन्यू है ये कितना बड़ा होगा। और यहाँ पे जो बस आप देख रहे हैं, ये इसमें से ज़्यादातर इलेक्ट्रिक ही हैं। तो ये कार भी कॉन्सेप्ट कार है, पर इसका कलर जो है वो मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है। और तो यहाँ आप देख रहे हैं एक विंटेज कार जो गोल्डन कलर में है, काफ़ी सुपर्ब लग रही है देखने में। और ये है BMW की i3, जो कि अवार्ड विनिंग कार है, और ये जो पूरा एरिया है ये सिर्फ और सिर्फ अवार्ड विनिंग कार्स के लिए है। यहाँ छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी कार अवेलेबल हैं। और कुड़ी कहंदी पहले जगवार ले लो, फिर मर्जी जितना प्यार ले लो, जी हाँ कार फ्रॉम जगवार। और ये है वो स्टॉल, और इसके बाद हम आ गए हैं अब मर्सिडीज़ की तरफ। और ये है A36, जो येलो कलर में काफ़ी कूल लग रही है, काफ़ी प्यारी लग रही है। और इसके बाद आप देखेंगे 1 BHK कार, क्या हो गया, शौक हो गए, यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख लीजिए। ये है 1 BHK कार, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं एक बेडरूम है। इसके बाद आप मर्सिडीज़ की देखेंगे, इतनी लंबी कार, अरे ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही। वैसे यहाँ पे आप काफ़ी लोगों को देखेंगे मास्क लगाए हुए हैं, हम भी यहाँ पे काफ़ी बच के फिर रहे थे, जैसे ही हमको लग रहा था कि ये चाइनीज़ या चाइना से हो सकता है, तो काफ़ी हम वहाँ से दूर निकल ले रहे थे, कट ले रहे थे, वट ले रहे थे। और सामने की तरफ से आप इस कार की हेडलाइट देखेंगे, वाह यार DRL क्या प्यारा DRL है। इसके अंदर द हुड यानी कि बोनट के अंदर क्या है ये देख लेते हैं, वैसे तो इंजन ही होगा पर इंजन कैसा है वो देखते हैं। वाह V12, तो देखा आपने, इसके अंदर तो जगह ही नहीं बची है यार, पूरा भरा पूरा संपन्न परिवार इसके अंदर बसा हुआ है। तो कार भी तो करोड़ों में है। और इसके अंदर की जो सीट्स हैं वो कार की सीट्स नहीं, ऐसा लगेगा किसी हॉल में रखा गया सोफा है। ब्लू। और ये है G-Wagon, जिसको आपने कई बार सॉन्ग्स वगैरह मूवी वगैरह में देखा होगा, काफ़ी लग्जरी ऑफ रोडिंग कार है, वैसे ऐसी कार को ऑफ रोड कौन चलाना चाहेगा। सर जो ऑटो एक्सपो है वो हम लोग घूम चुके हैं, तो वीडियो पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू अगेन।